जीवन बहता पानी ये जा रहा है जीवन गाइस, पता नहीं किस ओर। सो दोस्तों, वी आर ऑल सेट फॉर डे टू। डे टू का जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो है संकट मोचन मंदिर, काल भैरव और सारनाथ टेम्पल हो सके तो कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। सो लेट्स सी। अभी अर्पित का घर बनारस से कुछ है 12 किलोमीटर्स, 12 से 13 किलोमीटर है। सो बनारस तक जाएंगे दोबारा ऑटो में, जैसे कि हमने डे वन में कवर करा था। प्रॉपर यहाँ से ऑटो लेंगे, ऑटो से वहाँ उतरेंगे, फिर वो मंदिर आसपास ही है। सारनाथ टेम्पल थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा, ऑपोजिट पड़ेगा, बट हाँ उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कल हमने दो पॉइंट्स कवर करे थे, एक अपना काशी विश्वनाथ टेम्पल जो प्राचीन वाला है, ठीक है, और एक जो नया स्टेब्लिश हुआ है BHU में, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हमने वो दो चीज़ें कवर करी थी, आज 3 चीज़ें और कवर करेंगे। तो गाइस, वो पीछे छोटा BHU जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अब हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर की साइड। बनारस आए हैं और रिक्शे में नहीं बैठे हैं तो बनारस नहीं घूमे हैं भाई, रिक्शा और घाट। जय श्री राम। ये आ गए गाइस हम संकट मोचन मंदिर में। यहाँ पे है सबसे पहले आपके जूते उतारने का सीन, फिर अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कैमरा अलाउ है कि नहीं है। अगर कैमरा अलाउ होता है तो पूरे दर्शन नहीं, ना कैमरा अलाउ नहीं है गाइस। सो यहीं पे पूर्ण विराम। संकट मोचन श्री हनुमान जी के दर्शन तो हो चुके हैं, अभी अगर आप वहाँ पर देख पा रहे हैं तो वो है मंदिर, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही मंदिर है। तो गाइस, मंदिर से थोड़ा आगे आ गए हैं, एक जो बात आपके भी काम आ सके, कभी आप अगर बनारस या काशी सिटी विज़िट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें मंदिर के बाहर से प्रसाद ना लें, मंदिर के अंदर भी प्रसाद मिलता है संकट मोचन में। क्योंकि अगर आप मंदिर के बाहर से लेंगे, यहाँ पे ना थोड़ी लूटपाट ज़्यादा है, तो अगर आप मंदिर के अंदर से प्रसाद लेंगे तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आपको प्राइस ठीक भी लगेगा, उस प्राइस में प्रसाद मिल सकता है। अदरवाइज़ मैं तो रेकमेंड करूँगी कि बाहर से ना ले, बाहर से आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ी महंगाई है, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी आए यहाँ पे, बस प्रसाद अंदर से ले और दर्शन करें। काल भैरव का कितना भैया यहाँ से हम काल जहाँ उतारेंगे? हाँ हाँ, वहाँ ले। ठीक है, कितना भाड़ा कितना है? 20 रुपये भाड़ा है, 25 रुपये एक सवारी का ना। तो दोस्तों, अगर आपने संकट मोचन मंदिर के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो मिल सकते हैं, वो छोड़ेंगे आपको काल भैरव तक तो नहीं, ठीक है, बट काल भैरव के आसपास, वहाँ से एक इंसान का भाड़ा है 25 रुपये। बुकिंग में जाते तो उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। काल भैरव मंदिर आने के लिए देखिए, ये है वो गेट, ठीक है, इस गेट से एंट्री आप कर सकते हैं। एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के 100-150 मीटर बाद अंदर चलें। सो 100-150 मीटर का सफ़र तय करते हैं हम आ चुके हैं मंदिर के द्वार पर। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा प्रसाद, छोटा सा प्रसाद लिया हमने 50 रुपये का इन भैया जी के हाथ से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। ये प्रसाद आप कोविड है? हाँ जी भैया, दे दीजिए, दे दीजिए, ठीक है। सो ये दूसरा मंदिर है जहाँ पे फ़ोन और कैमरे ले जाने अलाउ हैं। सो यस, प्राचीनता का एक अनूठा उदाहरण देखिए, कोई स्पेशल डिकोर नहीं जैसे पहले था। जैसे जो प्राचीनता थी वो अभी तक बरकरार है, ये देखिए। तो अर्पित को थोड़ा इस काल भैरव मंदिर की हिस्ट्री बता, अर्पित थोड़ा बताएं यार। काल भैरव मंदिर की हिस्ट्री क्या, मतलब औरंगजेब के टाइम पे कहा जाता है कि यहाँ तोड़ने की कोशिश की गई थी,
जैसे बाकी मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो वैसे ही उस टाइम डॉग्स ने ही उनको भगाया था और उन डॉग्स ही उनकी सवारी है कालभैरव की। दरोगा जी है वो यहाँ के, तो जितने भी पुलिस वालों की यहाँ पोस्टिंग होती है सबसे पहले कालभैरव आते हैं। तो जैसे कि अर्पित ने हमें थोड़ा बताया, इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी, क्योंकि अर्पित ही नहीं काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने सुन लिया है कालभैरव जी यहाँ के दरोगा हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी कांस्टेबल हो, ठीक है, कोई भी पुलिस वाला अगर उसकी यहाँ पे भर्ती होती है, कोई भी सरकारी ऑफिसर हो ठीक है, उसकी अगर यहाँ भर्ती होती है तो सबसे पहले वो कालभैरव मंदिर आते हैं, क्योंकि वो रखवाले हैं यहाँ के मंदिरों से। एक छोटा सा क्या बोलते हैं, मेरा परामर्श यही है, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मंदिर यहाँ बनारस आएँ या आप साउथ इंडिया जाएँ, केरला जाएँ, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, कहीं भी जाएँ। मेरा बस कहने का मतलब यही है कि हम डेली सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, फ़ोन हमारे हाथ में होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है, ठीक है, अच्छी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ें बोलते भी हैं, ठीक है। बट अगर हफ्ते में 3-4 दिनों में या महीने में भी एक बार अगर आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता, शांति मिलती है। 5 मिनट 10 मिनट बिताइए कभी खाली मंदिरों में, आपको खुद पता लग जाएगा, आपको खुद पीस मिलेगी वहाँ पे। सो इसको कभी ट्राई करिएगा, इस बहुत अच्छा लगता है वाकई में, इट्स रियली अ पीसफुल थेरेपी आज से। ओके, भैरव की नगरी पे बेचारी की भैरव की सवारी इतनी भूखे मर रही है, लोग मीठा खिला खिला और मार रहे हैं। सो गाइस, अर्पित का तो ऐसा ही है, अर्पित एक बहुत ही एग्रेसिव और रिलीजियसली फॉलो करता है एनिमल लविंग को और एनिमल फीडिंग को। उसका ऐसा ही रहता है कि अपना रात का खाना खाने से पहले वो हमेशा जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको फीड करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम दूर दूर तक नहीं सोचते, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सभी चीज़ों को सोचा करते हैं। सो अर्पित, चार्ली चैपलिन ने क्या बोला था, एक बार रिपीट कर दो। द वन हु फीड अ हंग्री एनिमल फीड हिज ओन सोल, एंड दैट्स ट्रू, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। बनारस में आए हैं, बनारस में आके पान ना चखा तो क्या चखा भाई, पानी है तो हाथ में। हाँ जी, सो ये बन गया पूरा का पूरा पान, सारे इंग्रेडिएंट्स घुस चुके हैं और ये जा रहा है सीधा अर्पित के मुंह के अंदर। कैसा है भाई, अभी तो कुछ बोलने लायक है नहीं, तो मुझे पक्का बता, पूरा मुंह भर चुका है तेरा। अमेजिंग अमेजिंग, ये सीधा मेरे मुंह पे। आनंदी आनंद कर दिया, अच्छा। अजय, एक्चुअली क्या है कि पेटीएम वेटीएम तो आजकल के बाले के समझे हैं, तो रजत जी के पिताजी थे, आपका शुभ नाम अनिल कुमार चौरसिया जी ने हमें बिल्कुल खुश कर दिया। हम तो भाई जिस शहर जाते हैं उसी शहर के हो जाते हैं भाई, तो मज़ा तो बहुत आता है। तो अगर आपको भी मज़ा लेना है तो ट्रैवल करते रहिए, लो बजट करिए, हाई बजट करिए, लग्जरी करिए, बस शहर को ज़रूर घूमिए भाई। शहर का ट्रेडिशन अगर आपने नहीं देखा ना, और शहर का खाना पीना और ऐसे लोगों से आपने मज़े नहीं लिए, तो भाई क्या ही ज़िंदगी। जय काल भैरव, बोले जय भंडारी हर हर महादेव, मालिक नाथों में ना तो बाबी सनातों में देव महादेव, हम बाबा भोलेनाथ विराजमान, जय बोले जय भंडारी हर हर महादेव। गाइस कहते हैं ना बनारस की गलियाँ, ये हैं वो बनारस की गलियाँ, ये देखिए, ये देखिए सकरी सकरी गलियाँ। चलिए घाट का मजा घुमा रहे हैं आप, ये देखिए, ऐसा पंडित जी नहीं मिलेगा आपको। ये हमें पंडित जी मिले हैं जिन्होंने हमारे माथे में बहुत ही अच्छे तरीके से चंदन का, चंदन ही है ना, प्योर चंदन, प्योर चंदन रगड़ा है, और शिव शंकर जी का ओम छाते हैं, ओम छापे हैं, देख सकते हैं। सो इन्हीं गलियों को फॉलो करते करते हम जा रहे हैं घाट पे, घाट में करेंगे गंगा जी के दर्शन। हालांकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी है, बट पंडित जी के कहने पे, इनके कुछ रेफरेंस से हम जा रहे हैं। नमस्कार सर जी, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस चीज़ के लिए करा दिए हैं।
अब ये पूरे विश्वनाथ आप घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए बगल में लिफ्ट चालू है, एक लिफ्ट, ये दूसर का लिफ्ट, इसके नीचे तीसर का लिफ्ट, इसके ऊपर चौथ का लिफ्ट, यहाँ 7 लिफ्ट है। अच्छा, गंगा जी के नीचे जो लिफ्ट बना है, अभी वो गंगा जी के नीचे लिफ्ट पूरे बर्बाद हो चुका है बनाया हुआ। अच्छा अच्छा, और लिफ्ट में बैठिएगा और सीधा बाबा विश्वनाथ तरफ फेंक देगा वो। अच्छा, अंदर अंदर गुफा है। अच्छा, अंदर गुफा जा रही है। ये गुफा देखिए वही बना है काली रोड का। अच्छा, उसमें गुफा है, उसके नीचे गुफा है। अरे आपको घूमना है, हम आपको ला दिए बाबा विश्वनाथ बाउंड्री के अंदर बे परमिशन का, और आपकी मर्जी। अब इसमें आप 2 घंटा भी घूम सकते हैं, 4 घंटा भी घूम सकते हैं, और नहीं तो अंदर पंखा चल रहा है, जाकर अंदर सो भी सकते हैं। किसी का पावर नहीं है कि आपको अब बोल देगा। नहीं नहीं, गैस अगर मैं आपको परसों की बात बताऊं, जब मैं वाराणसी एंटर कर रहा था, उस टाइम ही मुझे ऑटो वाले ने बोल दिया था कि देखो इस बार क्या है कि बोटिंग नहीं हो पाएगी। देखो मैं कहता हूं कि वाराणसी आना एज एन टूरिस्ट, अगर आप टूरिस्ट हैं जैसे मैं दिल्ली से हूं, आप कहीं से भी आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी, मतलब आपकी जर्नी ना कम्प्लीट नहीं हुई। अभी एक पंडित जी की वजह से ठीक है वो मुझे मिले। ठीक है, पहले तो मेरे को लगा कि ठीक है कुछ पैसे मांगेंगे, बट उन्होंने बोला, मैंने उनको भी बताया कि ऐसा ऐसा है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी है यहाँ पे, किसी रीज़न से हम जा नहीं पा रहे। तो पंडित जी ने कहा, अरे हम किस लिए हैं, हम इतना टाइम काटे हैं यहाँ पे, किस लिए काटे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं, आपको थोड़ा हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। सारी चीज़ें देखिए, दिस इज़ द व्यू। अभी मेरा क्या बोलते, ये ट्रिप सक्सेस हो गया, ठीक है, भोले बाबा के भी दर्शन हो। तो अभी जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है काशी विश्वनाथ मंदिर के बैक साइड में। ठीक है, अगर मैं इस कैमरे को उस साइड घुमाऊँ, और उस साइड का जो कॉरिडोर है, ठीक है, वहाँ पे है प्राचीन काशी विश्वनाथ। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला जो काशी विश्वनाथ है वो नवीनतम है, वो अभी नया बना है, बट ये है प्राचीन। और उसके जस्ट बैक साइड में देखो ये मिल जाए, तो इसी व्यू के पीछे मैं ज़्यादा पागल था, और ये वाली जो इच्छा थी मेरी पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो अर्पित भाई का। अर्पित भाई थैंक यू सो मच। क्यों, तुमने क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं घर में शरण दी मुझे इन 3 दिनों के लिए, और ये सारे क्या बोलते हैं व्यू का जायज़ा करा। इसे महज डॉक्यूमेंट्री कह लो, इसे चाहे ब्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, बट कहीं ना कहीं आप भी क्या बोलते हैं अपने घरों में बैठ के अगर यूट्यूब में मेरे चैनल में वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा तो आनंद आपको आ ही रहा होगा। इतना सोदिंग सा साउंड, कोई कहने के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं, है जीवन की सच्चाई, जीवन बहता पानी ये जा रहा है जीवन गाइस, पता नहीं किस ओर। अच्छा, ओर से याद आया, अगर आप वो वाला एरिया देखें, वो जो गुंबद बना है वो है मणिकर्णिका घाट, और टोटल 86 घाट है, और टोटल 86 घाट हैं इस वाराणसी में। सो अपने में ही एक शहर है। आपका भी आ रहे हो, मैं आपको एक बेस्ट टाइम बताता हूँ कि आपको कब आना चाहिए। आपको दीपावली का टाइम आना चाहिए। इस टाइम पे मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, और देखिए बाढ़ भी आ रखी है। यहाँ पे कुछ लोग जो किस्मत वाले हैं वही इस नदी का दर्शन कर सकते हैं। मैं भी जाने वाला था, मतलब मैं भी घर जाने वाला था, वो तो क्या वो पंडित जी टकरा गए, मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करा। कैन यू इमेजिन। ये है इस जगह की जो